प्रिकॉशंस के लिए मैंने पूछा था उनसे कि क्या बरतने हैं मेरे को अगर फीवर आए, तो उन्होंने बोला कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज सैटरडे है और सैटरडे संडे का लॉकडाउन चल रहा है लखनऊ में, तो मैंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था काफ़ी दिन पहले, बट वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। अभी रिसेंटली पता चला मुझे सुबह की वैक्सीन लग रही है, घर के पास एक स्वास्थ्य केंद्र है, तो मैं और मेरा दोस्त नीरज हम साथ में ही जा रहे हैं, साथ में रजिस्ट्रेशन किया था हमने, तो वो आ जाए फिर हम वैक्सीन लगवाते हैं। और सैटरडे संडे लॉकडाउन है और इन दोनों दिनों में प्रैक्टिस वगैरह जिम कुछ होना नहीं है, बंद रहेगा, तो ये सही टाइम है। अगर कुछ सर दर्द या फीवर जैसे सिम्टम्स आते हैं तो इन दो दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। होपफुली मंडे से सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से मैं काम कर पाऊँगा। फिलहाल तो जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने, देखता हूँ वहाँ लगने के बाद कैसा फील होता है। ओके कैमरा ये रखना पड़ेगा। वैक्सीन लग चुकी है मेरे को और अभी लेफ्ट हैंड में हल्का सा दर्द है जैसे नॉर्मल सिरिंज लगने के बाद होता है। फिलहाल जा रहा हूँ घर और आपको अपडेट देता रहूँगा हर घंटे की कि कैसा फील कर रहा हूँ मैं। प्रिकॉशंस के लिए मैंने पूछा था उनसे कि क्या बरतने हैं मेरे को अगर फीवर आए, तो उन्होंने बोला कि पैरासीटामॉल खा लेना। मैंने कहा ठीक है। और खाने पीने के बारे में तो उन्होंने बोला कि खाना पीना आप नॉर्मल खा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, आई विल। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं आया हूँ ATM से पैसे निकालने, कैश खत्म हो गया था मेरे पास। वैक्सीन लगे हुए मेरे को आराम से 8-9 घंटे हो चुके हैं। हल्का हल्का फीवर आ रहा है और थोड़ी बॉडी में सोरनेस टाइप की लग रही है क्योंकि कल लेग्स और शोल्डर का थोड़ा हैवी वर्कआउट किया था, इंटेंस वॉल्यूम था थोड़ा सा। और जिस हाथ में वैक्सीन लगी थी उसमें कुछ ऐसा खास पेन हो नहीं रहा है। फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ATM में आया हूँ क्योंकि पैसे निकालने। इस बैंक की खास बात यह है कि इसका सिर्फ एक ही ATM है और वो भी ब्रांच के बगल में। और जब जब मैं आया हूँ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है क्योंकि कैश कभी होता नहीं है यहाँ, खाली महंगे AC लगवा दिए हैं। जिस चीज़ के लिए ATM बना है वो चीज़ है नहीं ATM में। चलो देखता हूँ कैश मिलता है कि नहीं, मेरी किस्मत कैसी है। यहाँ लिखा है पुश तो हमें इसको दिया हल्का सा पुश। अब देखिए इस ATM में कितनी फैसिलिटीज़ हैं। AC, दो AC लगे हुए हैं, लाइटिंग आप देखिए, इसका पता नहीं क्या यूज़ है आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। मशीनें देखिए कितनी हैं, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, पैसे जमा करने की मशीन, पैसे निकालने की मशीन। अब देखता हूँ मैं अपनी किस्मत, ये पकड़ना जाए। ओके, दिस इज़ एन EMV चिप इनेबल्ड ATM, डू नॉट रिमूव द कार्ड, आई एम नॉट रिमूविंग इट ईदर। इंग्लिश, एंटर योर पिन, ओके आई हैव एंटर्ड, कैश विदड्रॉल अमाउंट, मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं, 500 रुपये पे क्लिक करता हूँ। वुड यू लाइक अ रिसिप्ट, यस। कुछ लोग सोच रहे होंगे पेपर वेस्ट कर रहे हो, बट इस ATM के साथ ऐसा है अगर आप रिसिप्ट पे नो कर दोगे, रिसीट आपको नहीं चाहिए, तो ये आपका ट्रांजैक्शन ही डिक्लाइन कर देता है। निकल रहा है शायद, आवाज़ आ रही है कुछ खटर पटर की। ओह माय गॉड, इज इट रियल मनी कमिंग आउट, यस फाइनली। काफ़ी दिनों बाद यहाँ से कैश निकला है। अब प्लीज कलेक्ट योर कैश, आई हैव कलेक्टेड इट ऑलरेडी। रिसीट मिल गई मेरे को, ओके आई विल थ्रो इट इन द बिन। प्लीज आर यू सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज, यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सेटिस्फाइड, प्लीज कलेक्ट योर कार्ड, आई हैव कलेक्टेड, ओके थैंक यू सो मच, आई एम वेरी लकी टुडे आई रिसीव्ड माय मनी। आई केम बैक होम एंड लेट्स सी व्हाट प्रोडक्टिव आई कैन डू विद द रिमेन ऑफ माय दिस दिन। ओके सो दरवाजे काफ़ी खुले हुए हैं, कोई है नहीं क्या? मम्मी, हे मम्मी, मम्मी, मम्मी नहीं है क्या? मम्मी नहीं है, भाई अभी चला गया मुझसे थोड़ी देर पहले मिलके, इसका मतलब मैं घर में अकेले हूँ। व्हाट शुड आई डू, ओके व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, ओके यस, ओ या लेट्स डू समथिंग नॉटी, ओ या, ओ या, ओ या,
Oh yeah. I'm not going to do anything naughty here. Delayed onset muscle soreness, जिसको डॉम्स भी कहते हैं, काफ़ी अच्छे से हिट किया है मुझे लग रहा है कल शाम के वर्कआउट के बाद. और वैक्सीन भी लग चुकी है मेरे को, फीवर भी है हल्का सा, तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी उछल कूद मचा पाऊँगा. तो फिलहाल रेस्ट करते हैं और न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं. गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं पूरी रात जगा हूँ, बार बार नींद टूट रही थी. 10 बजे के बाद तो भयंकर फीवर चढ़ने लगा था, ठंड भी लग रही थी, तो बस सोने की जैसे ही प्लानिंग किया तो पंखा बंद करना पड़ा, फिर बेडशीट ओढ़नी पड़ी. 1 बजे के बाद सर दर्द होने लगा था एकदम भयंकर वाला, एक एक दो दो घंटे की नींद हो रही थी, फिर एक घंटा जग रहा था, ऐसा चलता रहा. सुबह 3:56 की बात है, मैंने नीरज को मैसेज किया कि कॉल करना जब उठना, और मज़ेदार बात यह है कि उसका तुरंत कॉल आ गया. हमने डिस्कस किया कि तुमको कौन से सिम्टम्स फील हो रहे हैं और मेरे को क्या सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो दोनों के सिम्टम्स सेम थे. वो भी करहा करा के बोल रहा था, मैं भी करहा रहा था. और मम्मी सुबह आई मेरे पास, बोली बड़ी जल्दी जग गया, तो उनको क्या पता कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ और अभी मैं सोने जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने बजे उठता हूँ फिर. फीवर अभी थोड़ा कम हो गया है और अपर बॉडी में ऐसा कुछ खास पेन नहीं है, बस लेफ्ट हैंड में जिससे फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ थोड़ी सी गुदगुदी हो रही है. लोअर बॉडी में भाई साहब जो मीठा मीठा दर्द हो रहा है, बता नहीं सकता आपको, ऐसा लग रहा है कोई बिगनर लेग का वर्कआउट करके अगले दिन जिम आया है. मतलब बचा बचा के बैठना पड़ रहा है, ग्लूट सूट्स तो भाई साहब बता नहीं सकता मैं. अभी सो जाऊँगा फिर उठूँगा, देखूँगा नाश्ता वाश्ता क्या करना है, अभी बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है मेरा. शाम के बज रहे हैं 5 और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, नहा धो के मस्त खाना वाना खा के अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट. भाई के साथ एक फ्रेंड आ रहा है दिल्ली से, उसको रिसीव करने जा रहा हूँ, तो बस मिलता हूँ आपसे रास्ते में. भैया 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 आ गए भैया आ गए It's Monday morning and good morning everyone. So I'm feeling very awesome. Yes, बहुत बढ़िया नींद आई कल रात में. अभी सुबह के बज रहे हैं 8, मम्मी का वर्कआउट खत्म हो चुका है और मेरे अंडे खत्म हो गए थे, वो भी मैं लेने जाऊंगा. फिलहाल मैं ये एप्पल फिनिश करूंगा, नहीं वर्कआउट करने नहीं जा रहा हूँ, बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और हाँ, कल मैंने शाम को एक पर्शियन कैट देखी थी, उसका मैंने शायद रिकॉर्ड किया था क्लिप, वो मिलेगी, मैं आपको लगा दूंगा, दिखा दूंगा. बहुत प्यारी पर्शियन कैट थी वो, और यूजुअली उसकी आंखें जो होती हैं वो ब्लू रहती हैं, बट ब्लू ग्रीन मिक्स फ्लैश जल रहा था उसकी आंखों में, तो वो रेड दिख रही थी. आपको मैं दिखाऊंगा कैसी लग रही. सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड कीप लविंग योरसेल्फ. बाय बाय. इधर देखो, इधर देखो, आंखें लाल चमक रही हैं इसमें. अरे भाई साहब डरावनी लग रही है, लाल चमक रही हैं आंखें, ये देखो. हाँ.